मेरे मन में आया कि उन लोगों को आज एक बार गिफ्ट दूं। ये 3 और 4 तारीख को IHFF होने वाला है मुंबई में, जो बॉडी बिल्डिंग एक्सपो सबसे बड़ा। इतना ज्यादा मोबिलिटी नहीं है मेरे अंदर। अबे शैडो सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। आज आप लोगों के साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, इसके बारे में आप में से किसी को नहीं पता। ये गाड़ी मैंने तब ली थी जब मैंने जिम करना भी स्टार्ट नहीं किया था, और मतलब इस गाड़ी के डाउन पेमेंट 10,000 रुपये किया था हमने उस टाइम पर। वो 10,000 रुपये मैंने अपने चाचा जी से लिए थे, और जैसे तैसे करके हमने वो डाउन पेमेंट किया था, और उसके बाद में वो EMI वगैरह भरना। मतलब ये गाड़ी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसको बड़ी मुश्किल से लिया था और बहुत ज़्यादा प्यार है इसके लिए मेरे मन में। और मैंने पहले आप लोगों से एक बात शेयर की थी, जब मैं कॉलेज में था मेरे पास गाड़ी नहीं थी कोई भी, और मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। तब मैं कॉलेज से अपने घर आई गेस 8-10-10-11 किलोमीटर होगा, वो मैं पैदल चल के आया था, बिकॉज पैसे नहीं थे और गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास में। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस गाड़ी को 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, एंड जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है। कई बार सर्विस भी हो गई तब भी प्रॉब्लम कर रही है, जिस वजह से पापा कई बार गाड़ी लेकर नहीं जाते हैं, एंड मम्मी को भी गाड़ी सीखनी थी, और प्रॉब्लम की वजह से मम्मी गाड़ी नहीं सीख पा रही हैं। सो मेरे मन में आया कि उन लोगों को आज एक नई एक्टिवा गिफ्ट दूं, और बड़ा अच्छा लगा है सोच के कि उस टाइम पर जब इतना स्ट्रगल करके हमने ये गाड़ी खरीदी थी, इसलिए मेरे मन में अभी भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। और जिस वजह से मैं इसको बेचने नहीं वाला, क्योंकि उससे मुझे कुछ मॉनिटरी नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए इसके, मैं इसको किसी ज़रूरतमंद को दूंगा, किसी को गिफ्ट कर दूंगा। तो अभी पहले एक्टिवा लेने चलते हैं नई, और फिर उसके बाद जिम चलेंगे। तो ऐसे ही चला सकता हूँ ना, चलना फिर एक माननी पड़ेगी। मम्मी तो रास्ते में केक नहीं मारेंगी सही। कैसे जा रहा है एक्टिव वाले? हाँ कैसे जा रहा है एक्टिव वाले? अंदर लगा रहा हूँ गाड़ी। अच्छा, अब ऐसे केक मार। ऐसे केक मार भाई, किसी को गिफ्ट करेंगे तो ये भाई कितना अजीब लगेगा सोचिए। सही करवा के देंगे, किसी को गिफ्ट करेंगे तो पहले से सर्विस करानी पड़ेगी। तो भी जैसा कि वो केक वगैरह भी प्रॉब्लम दे रही, तो पहले वो सारी चीज़ें सही भी करवा दूँगा किसी को गिफ्ट करने से पहले। एंड अभी 3 और 4 तारीख को IHFF होने वाला है मुंबई में, जो बॉडी बिल्डिंग एक्सपो सबसे बड़ा, तो मैं उसमें जाने वाला हूँ। और 5 तारीख को मैं दिल्ली में मसल मीनिया में रहूँगा, तो अगर आप में से कोई भी लोग वहाँ पर आने वाले हैं मुंबई में या फिर दिल्ली में, तो वहाँ पर मिलते हैं। और तो मसल मीनिया ने आज एक बहुत ही यूनिक और यूज़फुल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके पर सर्विंग में आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है फ्रॉम वे कंसनट्रेट, और 5 ग्राम फ्रॉम Type 1 कोलेजन, जो आपकी जॉइंट्स हेल्थ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसको चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ऑल्सो मसल प्लेस से आप जब भी कुछ भी शॉपिंग करें, आप हमेशा अपने भाई का कोड आनंद30 का यूज करके बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। गाड़ी उठा ली है यहाँ से, सबसे पहले मैं जिम जा रहा हूँ। जिम में वर्कआउट करेंगे, देन ऑब्वियसली जिम में वर्कआउट ही करते हैं। वर्कआउट करने के बाद घर पे जाएंगे, मम्मी पापा को गाड़ी दिखाएंगे। I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail this ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. I'm like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. I've never changed myself, I've always stayed the same. No,
doubt. I've always played the game all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. बहुत टाइम बाद आज हम वेटेड पुलअप्स करने वाले हैं। बहुत दिनों से ट्राई नहीं किया, देखता हूँ आज कितना वेट लेके जा सकता हूँ इस पर। इजी 8 रेप्स हैं, अभी बढ़ाएंगे, देखते हैं कितना जाएगा। I ain't running here to stay, steady gunning to my thing. I don't look the other way, I stare that motherfucker straight. कैसे है दिन? I don't just wanna be great, I'll be the best. Make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed, bulletproof vest. Open my chest for the haters' request. I'll be okay, I pick my lane. I'ma stick to it like horse of the fame. This is the game that we all play, and I'm gonna wing it the fuck out my way. I never change myself, I've always stayed the same. No doubt, I've always played the game all out, and I am here to stay चलो गाड़ी देख के हैं अपन। ये बेल्ट को दिवाली पे लेके आए थे ना अपन। क्या ये मानस की उड़ी है? अच्छी लग रही है ना बालू जैसे। अच्छी लग रही है ना। अरे की माइनस वन दबा दियो। थैंक यू बताने के लिए। अरे और कुछ हो रहा है इसको? ओए नहीं, ब्लैक जैसा शाइन कर रहा है तो। हाँ। तो क्या थी, ग्रे कलर की? ग्रे ही है, अभी रात में दिख नहीं रहा। ये महाशय पहले बैठ के चेक करेंगे पूरी। शेड को तभी घुमा के ले आऊंगा मैं, आप चला के देखो। अबे अरे अभी आ रहे हैं वो शैडो, शैडो इधर है, इधर ठीक है, इधर देख एक गाड़ी पीछे से नहीं। कैसी चली? अच्छा तेरे को भी घुमाने चले। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि शेडो को घुमाते वक्त ब्लॉग बहुत कम करता हूँ मैं, और ऑलमोस्ट नहीं करता मैं, बहुत टाइम से नहीं किया हुआ है। बिकॉज़ रात के टाइम पे 11 बजे के बाद यहाँ से ट्रक चलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बहुत बहुत तेज़ चलते हैं। कुछ टाइम पहले से कोहरा वोहरा भी इतना ज़्यादा तो दिखते नहीं, और ट्रक भनभनाते हुए जा रहे होते हैं कि सामने जो दिख जाए उड़ा दें उसको। तो इस चक्कर में मम्मी ने भी डांट दिया था मेरे को, और सेफ भी नहीं है रात के टाइम पर ब्लॉग करना। अभी तो रिक्की आया हुआ है साथ में, तो साइड में चल के हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं। रात के टाइम पे क्या तेज़ होते हैं सिटी के अंदर, आई गेस वो अलाउ हो जाते हैं ना ट्रक, जिस वजह से भड़बड़ाते हुए निकलते हैं। और ट्रक ही नहीं, ट्रक ही आ रहा है क्या? ट्रक ही नहीं,
उसके साथ साथ में ये गाड़ियाँ भी बहुत तेज चलने लग जाती हैं, तो ऑब्वियसली सेफ नहीं रहता है। कंफर्ट लेवल देखो इसका, रोड साइड पे इस तरीके से बैठा हुआ है ये भाई। अब इस पर बैठ नहीं सकता, उस पर धूल मिट्टी होगी यार, तो थोड़ा सफाई का भी कई बार ऐसे बैठ जाता, मतलब सफाई का ध्यान रखना पड़ता। इतना ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है मेरे अंदर कि मैं इतने प्यार से बैठा। अरे यार ऐसे नहीं बैठा था, तू अभी कैसे बैठा था बैठ के बता। ये ऐसे कई बार बैठा रहता है कंफर्ट जोन में अपने, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ब्लॉग स्टार्ट किया करे अपना। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग बैठते होंगे यार। तो मम्मी पापा को गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, अभी शेडो घुमाएंगे, ऊपर जाके डिनर करेंगे उसके बाद में। आपको गाड़ी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी मैं ऐसा छोटा मोटा कुछ भी करता हूँ ना मम्मी पापा के लिए, रिक्की के लिए, किसी के लिए भी, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज़ व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस। चलो शेडो।